ओके, तो आज है ना वॉच लिस्ट वन लिस्ट में हम लोग जुबिलेंट फूड वर्क्स के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली डोमिनोज, ठीक है, उन लोगों का मास्टर फ्रेंचाइजी है जुबिलेंट फूड वर्क्स का। डोमिनोज का मास्टर फ्रेंचाइजी है इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में, ठीक है। मेजर उनका इंडिया में ही चलता है सब कुछ, क्लियर है ये। तो अगर हम लोग एक बेसिक स्क्रीनर पे भी जाए तो हम लोगों को यहाँ पे समझेगा जुबिलेंट फूड वर्क्स 441 कितना करोड़ का है मार्केट कैप, अराउंड 30,000 करोड़, जो कि काफ़ी बड़ा कंपनी है। अगर इसका पी रेशियो देखेंगे ना, वो हम लोगों को बेसिकली क्या बताता है, सेंटिमेंट, पब्लिक का सेंटिमेंट क्या है ये स्टॉक को लेके। काफ़ी अच्छा सेंटिमेंट है, पी रेशियो 69, मतलब बेसिकली कभी किस कौन से कंपनीज को मिलता है जिसका ब्रांड वैल्यू अच्छा है, जिसका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है, या तो रिस्क बहुत कम परसीव करते हैं। ये तीन फैक्टर्स रहता है जिससे पी रेशियो डिटरमाइन होता है। तो अगर हम लोग पी रेशियो देखेंगे तो उसका मीडियन कितना रहा है, 85 का रहा है। तो अभी 69 हो गया है, तो क्या अंडर वैल्यूड है ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, हम लोगों को और भी चीज़ें देखनी है। तो हम लोग को ये ना, मैं एक 15-20 मिनट स्टॉप्स बनाऊंगा ये वीडियो, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि क्या ये देखने लायक कंपनी है कि हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं, वॉन लिस्ट में डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक कंपनी के बारे में हम लोगों को समझना है, सबसे फर्स्ट चीज़ है कि भाई पिज्ज़ा बेचता है मेन, उसका मेजर रेवेन्यू अराउंड 70% कम्स थ्रू सेलिंग पिज्ज़ाज, राइट। अभी है ना, नॉर्मली कोई कंपनी, कॉम्पिटिटर्स अगर इसका देखोगे, कौन है इसका कॉम्पिटिटर, पिज्ज़ा हट आता है सबसे पहले दिमाग में, एंड सेकेंड अभी पिज्ज़ा एक्सप्रेस ये सब भी आता है, बराबर। अभी आप अगर पिज्ज़ा हट, पिज्ज़ा एक्सप्रेस देखोगे, उनका प्रीमियम प्रोडक्ट रहता है, जो पिज्ज़ा है थोड़ा प्रीमियम है, क्वालिटी वाइज अभी सबका अलग अलग हो जाए, बट ऑब्वियसली प्राइसिंग उसका प्रीमियम है। एंड सेकेंडली ये ना कैजुअल डाइनिंग प्रोडक्ट है कि नहीं। अभी आप पिज्ज़ा एक्सप्रेस पे जाओगे तो क्विक सर्विस नहीं है वो, उधर आप बैठते हो, वेटर आता है आपके पास, आप ऑर्डर करते हो, उसको हम लोग कैजुअल डाइनिंग बोलते हैं, बराबर। क्विक सर्विस मतलब अपना बर्गर किंग, KFC, ये सब क्विक सर्विस पे आता है, समझ में आया। अभी डोमिनोज है ना, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स यूज़ करता है। वो क्या कर रहा है, एक कैजुअल डाइनिंग प्रोडक्ट जो पिज्ज़ा है वो बेच रहा है QSR के फॉर्मेट में, समझ में आया। QSR फॉर्मेट वर्सेस कैजुअल डाइनिंग में डिफरेंस क्या है, कैजुअल डाइनिंग में यू हैव टू पे मोर अपफ्रंट, आपका स्टोर साइज बड़ा रहेगा क्योंकि आपको बैठना पड़ता है ना, बैठने का जगह रहता है कि नहीं, बहुत सारा चीज़ें रहता है। डोमिनोज का हर एक स्टोर वैसा नहीं रहता, थोड़े स्टोर से जहाँ पे आप बैठ सकते हो और वो भी QSR रहता है, समझ में आया क्या। तो QSR में आपको अपफ्रंट पैसा कम लगता है कंपेयर टू से अ पिज्ज़ा हट और एल्स अ पिज्ज़ा एक्सप्रेस, बराबर, इतना समझ में आया। लेकिन अभी क्योंकि ये लोग कैजुअल डाइनिंग प्रोडक्ट बेचते हैं, इन लोगों का ग्रॉस मार्जिन है ना QSR से ज़्यादा रहता है, मतलब अगर आप एक बर्गर किंग, मैकडी, KFC लोगे ना, उससे ज़्यादा ग्रॉस मार्जिन आता है इसका जुबिलेंट का, लेकिन खर्चे भी कम हो जाता है उसका क्योंकि QSR फॉर्मेट में, जैसा बर्गर किंग ये लोग करते हैं, ऐसा समझ में आया। देखो सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो, अगर एक पिज्ज़ा हट लेंगे हम लोग, पिज्ज़ा हट का है ना मार्जिन है ना अराउंड 68-67% जाता है ग्रॉस लेवल पे, समझ में आया। लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या है, उनका ओपेक्स ज़्यादा रहता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा रहता है क्योंकि स्टोर बड़ा रहता है उनका, राइट, कंपेयर टू से अ QSR। QSR मतलब अपना मैकडी, मैकडी में ना ग्रॉस मार्जिन कम रहता है, अराउंड 60-62% रहता है, लेकिन उनका ओपेक्स क्या रहता है, कम रहता है। डोमिनोज क्या करता है, पिज्ज़ा वाला प्रोडक्ट पिज्ज़ा बेचता है जिससे ग्रॉस मार्जिन उसका ज़्यादा है, और QSR में करता है जिसकी वजह से उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम है। तो आउट ऑफ द लॉट एबिट जो लेवल पे है ना, एबिटडा लेवल पे, एबिट लेवल पे सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, जुबिलेंट फूड वर्क्स का रहेगा, ऐसा समझ में आया क्या आपको। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स करते हैं, तो इसका मॉडल वाइज तो ये अच्छा है, समझ में आ रहा है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा अभी। लेकिन अभी आप देखोगे पिज्ज़ा एक्सप्रेस बहुत सारे आ गए ना कंपनीज जो पिज्ज़ा दे रहे, तो कंपटीशन तो बहुत बढ़ गया है। आज से 15 साल पहले आज कंपेयर करो आप, कंपटीशन तो बहुत बढ़ गया है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स इसका कितना है, देखो देवयानी इंटरनेशनल बेसिकली क्या है, अपना पिज्ज़ा, पिज्ज़ा हट, वेस्ट लाइफ फूड्स बेसिकली अपना मैकडी, एंड ये सफायर के अंदर KFC और पिज्ज़ा हट दोनों आता है। तो अगर आप देखोगे जुबिलेंट फूड वर्क्स, देवयानी एंड सफायर तीनों के अंदर पिज्ज़ा का प्रोडक्ट्स है, तो उन लोगों का मार्जिन्स देखो 60+ है तीनों का, उसमें आप देखोगे कि जुबिलेंट का सबसे ज़्यादा है, बराबर है कि नहीं। बट अगर आप मैकडी वाला देखोगे तो कितना आ रहा है, देखो 60 के ऊपर गया ही नहीं कभी, समझा। तो पिज्ज़ा एज अ प्रोडक्ट ग्रॉस मार्जिन ज़्यादा है उसका, ऐसा समझ में आया क्या। तो दैट्स अ गुड थिंग ऑब्वियसली। फ्रेंचाइजी फीस है कि नहीं, रॉयल्टी देनी पड़ती है, फ्रेंचाइजी फी देनी पड़ती है, सबसे कम किसका है, जुबिलेंट का है कि नहीं। इनका 7 है, इनका 5 है, इनका 5 है, इनका सिर्फ 4% है, तो दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। अपना खर्चा कम है ना, खर्चा कम मतलब प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा,
अभी मैकडी का तो ये भी है कि आगे जाके रॉयल्टी बढ़ने वाला है, तो और ज़्यादा रिस्क है उन लोगों के लिए, तो ये भी एक एडवांटेज है जुबिलेंट के लिए। फिर अगर मैं एबिटडा लेवल चेक करूँ, मैंने क्या बोला, ये जो देवयानी इंटरनेशनल है इन लोगों का ऑपरेटिंग खर्चा ज़्यादा रहेगा क्योंकि उनका स्टोर साइज़ बड़ा है, स्टोर साइज़ बड़ा है तो फिर केपेक्स ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लगेंगे, बहुत सारा एस्पेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे देखो जुबिलेंट का एबिटडा जो है सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू कोई भी और कंपनी, देख रहे हो QSR फॉर्मेट में या पिज्ज़ा जो प्रोडक्ट दे रहा है सबसे बेस्ट किसका है, जुबिलेंट फूडवर्क्स, ये दिख रहा है आपको जुबिलेंट फूडवर्क्स का, क्लियर हुआ ये। उसके बाद अगर हम देखेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी आप देखोगे देवयानी एंड सफायर का ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्ट क्या है, पिज्ज़ा ना, पिज्ज़ा हट कैजुअल डाइनिंग करता है, कैजुअल डाइनिंग करता है तो केपेक्स ज़्यादा, केपेक्स ज़्यादा तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा, वेर एज QSR में क्या होता है स्टोर साइज छोटा रहता है तो डेप्रिसिएशन कम रहेगा। तो देखो जुबिलेंट और वेस्ट वेस्ट लाइफ का अगर आप देखोगे कितना है 9.9%, वेर एज अगर देवयानी का देखोगे और सफायर का देखोगे तो ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि उन लोगों का स्टोर साइज बड़ा है। आपको समझ में आया क्या, तो ये उन लोगों का कॉम्पिटिटिव एज ऐसे बोल सकते हैं तुम लोग, नंबर्स के थ्रू मैंने एक स्टोरी बनाया, इतना क्लियर है, ओके। उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं कि ये इसमें इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं है, अभी ये सब अच्छे पॉइंट्स देखे हम लोग ने, बराबर, अभी हम लोग देखते हैं ये लोग करते क्या है बेसिकली, ओके। अभी हम लोग है ना ब्रांड्स देखते हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स का, तो बेसिकली उनके 6 ब्रांड्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली डोमिनोज है क्योंकि उन लोग का जो पिज्ज़ा मेन आता है 70% उधर से ही आता है, बाकी साइड्स सबसे आता है, साइड्स मतलब समझते हैं ना, बाकी के जो भी वो लोग बेचते हैं डोम पिज्ज़ा के साथ। अभी डोमिनोज उन लोगों का पिज्ज़ा जो है बेसिकली मास्टर फ्रेंचाइजी है उनका, बराबर, मास्टर फ्रेंचाइजी और दो चीज़ों का लिया है, डंकिन डोनट्स करके था पहले, सुना रहेगा आप लोगों ने डंकिन डोनट्स, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आने लग गए तो अभी वो लोग डंकिन नाम रखने वाले हैं, एंड वो किसके साथ कम्पीट करने वाले, स्टारबक्स के साथ, ठीक है। अभी मेरे को ये काफ़ी रिस्की लग रहा है, मतलब नहीं करना चाहिए, एंड पीछे मतलब ऐसा नहीं कि एक बार उनका कैपिटल एलोकेशन का प्रॉब्लम हुआ है, डंकिन डोनट्स में कैपिटल एलोकेशन प्रॉब्लम हुआ है, फिर बाद में बिरयानी का भी उन लोग ने चालू किया एकदम बिरयानी करके, ठीक है, वो उन लोगों का खुद का ब्रांड था उसमें भी प्रॉब्लम आ गया उनका, फिर बाद में हॉन्ग्स किचन करके जो चाइनीज़ फूड बेसिकली करता है वो भी उन लोगों का होम ग्रोन ब्रांड है, उसमें भी इश्यूज आ रहे, समझ में आया, मतलब कैपिटल एलोकेशन में तो प्रॉब्लम आ रहा है उनका। अभी उन लोग का एक और, उन लोगों ने मास्टर फ्रेंचाइजी लिया है पोपाइस करके जो बेसिकली KFC जैसा चिकन का करता है, तो वो हम लोग को देखना पड़ेगा आगे कैसे होने वाला है। एंड शेफ बॉस करके जो बेसिकली सॉसेस सीजनिंग ग्रेवी इसका करता है, ऐसा कोई दुकान एज सच नहीं, मतलब रिटेल वाला वो नहीं है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है जैसा पिज्ज़ा है या बिरयानी है, बेसिकली सीजनिंग्स एंड सॉसेस वो सारा है, समझ में आया। बट इसमें भी उन लोगों का एकदम बिरयानी जो है, फिर बाद में हॉन्ग्स किचन है और डंकिन है, इसमें बहुत प्रॉब्लम हुआ है, तो हिस्टोरिकली 3 चीज़ें जो उन्होंने चालू की थी तीनों में प्रॉब्लम आया, तो कैपिटल एलोकेशन का प्रॉब्लम तो है। कैपिटल एलोकेशन का मतलब क्या है कि जो भी वो कमा रहे हैं वो कहाँ पे डाल रहे हैं वो पैसा, क्योंकि जो भी वो कमाते सपोज 25% पे कमाते, वो जो कमाया हुआ पैसा भी तो वो री इन्वेस्ट करते हैं ना, बट वो री इन्वेस्टमेंट से अगर पैसा नहीं कमा पाएंगे तो हम लोग के लिए अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग को एक ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे मैनेजमेंट एकदम सुपीरियर कैपिटल एलोकेटर रहे, समझ में आया, तो वो यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा है हम लोगों को। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वो ये आ जाता है, देखो ये सब मैंने स्टोर्स और सब डाला हुआ है, नंबर ऑफ स्टोर्स ये आप देख सकते हो, बट यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंटर आता है कोई भी रिटेल बिजनेस में, आपको याद रखना है कोई भी रिटेल बिजनेस होने दो या आप फूड बिजनेस समझ लो, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है जिसको हम बोलते हैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, SSSG करके बोलते हैं। मैं आपको सिंपल इसमें एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या होता है करके। अभी है ना कोई भी, अभी सपोज डोमिनोज पकड़ते हैं, डोमिनोज अपना सेल्स कैसे बढ़ा सकता है, और ज़्यादा दुकान डाल देगा तो सेल्स बढ़ जाएगा, बट ऐसे सेल्स तो कोई भी बढ़ा देगा ना, मैं मल्टीपल दुकान डालूँ बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, हर एक दुकान में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है कुछ समझेगा ही नहीं, तो सिर्फ सेल्स बढ़ रहा है दुकान डालने से कुछ अच्छा बात है क्या, नहीं। तो हम लोग क्या देखते हैं मेट्रिक, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, उसका मतलब क्या है सिंपल, इसमें अगर मैंने सेल किया, ठीक है, कितने का सेल किया है 100 का, और कितना नंबर ऑफ स्टोर्स है 5, यहाँ पे मेरा सेल्स कितना हो रहा है पर स्टोर 20, बराबर। अभी है ना आगे जाके मैं ऑब्वियसली स्टोर्स और बढ़ाऊंगा, ये 5 का कितना हो गया 8, लेकिन सेल कितने से बढ़ा, सिर्फ 20 से, तो मैं अगर सेल्स पर स्टोर देखूँ तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15,
तो मेरा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बढ़ना चाहिए। मतलब हम लोग को देखो क्या होता है ना, अभी 5 दुकान डाला है स्टार्टिंग में, ये सपोज 2021 में 5 दुकान डाला था, अभी 2022 में क्या हो रहा है, 8 दुकान डाल रहे, तो ऑब्वियसली सेल्स बढ़ के दिखेगा। मेरे को इम्पोर्टेंट क्या है, ये डेटा देखना नहीं, मुझे ये देखना है कि ये जो 5 स्टोर था, ये 5 स्टोर का कितना ग्रो हुआ। मतलब ये 20% सपोज मैं बोल रहा हूँ 5 स्टोर है, कितना था पहले सेल्स पर स्टोर, कितना था 20, 100 डिवाइड बाई 5 इज 20, मुझे देखना है कि ये कितने से ग्रो हो रहा है। समझा, अगर ये मेरा 15 से ग्रो हो रहा है 15% से, तो मेरा जो 5 स्टोर है उसमें ग्रोथ कितना आ रहा है 15% का, तो मेरा सेल्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये समझ में आया क्या? हम लोगों को डायरेक्ट ये नहीं देखना चाहिए, हम लोगों को देखना चाहिए जो प्रीवियस स्टोर था उसमें कितना ग्रोथ आ रहा है, जो नया स्टोर डालेंगे उससे भी तो सेल्स आएगा, बट मेरे को क्या देखना है कि भाई पिछला जो स्टोर्स है उसका सेल्स बढ़ रहा है क्या, तो ही तो मुझे समझेगा ना एफिशिएंसी क्या है दुकान का। अभी मैं थाने में एक दुकान डालूँ, फिर मुलुंड में डालूँ, घाटकोपर में डालूँ, वैसे तो सेल्स बढ़ जाएगा, बट हर एक दुकान मुझे देखना पड़ेगा, अच्छा थाने में मैंने आज डाला था, आज से एक साल बाद थाने का जो स्टोर है उसका सेल्स कितना ग्रो है, वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो वो हम लोग कहाँ से समझते हैं, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। समझा, तो ये मेट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिटेल में क्या होता है, बहुत बार है ना सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, ये जो SSSG एंड LFL लाइक फॉर लाइक ग्रोथ, ये दोनों सेम माना जाता है, बट अपना कंपनी जो है जुबिलेंट उसमें ना SSSG और LFL है ना अलग मानते वो लोग, ठीक है, उन लोगों का खुद का कैलकुलेशन है। अभी ये कैलकुलेशन क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में। अभी के लिए ऐसा समझो, यहाँ पे अगर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, SSSG और LFL ग्रोथ दोनों अलग है ना, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये लोग का कैलकुलेशन कैसे चलता है LFL और SSG, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत क्रिटिकल रीजन था जिसकी वजह से मैं इसको वॉन लिस्ट में डाल रहा हूँ। समझ में आ रहा है, तो देख लो अभी क्या कर रहा हूँ मैं। अभी ये जो कंपनी है ना, इन लोगों का एक स्ट्रैटेजी है जिसको ये लोग बोलते हैं फोर्ट्रेस कर रहे हैं लोग। फोर्ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है, फोर्ट्रेस मतलब खिला, कि कोई भी आके कॉम्पिटिटिव एज बना रहे, फोर्ट्रेस मतलब कॉम्पिटिटिव एज बना रहे। ये लोग का कॉम्पिटिटिव एज क्या है, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये लोग पिज्ज़ा कितने टाइम में डिलीवर करते हैं, 30 मिनट्स में। अभी ये लोग बोलते हैं कि मेरे को ना और फास्ट करने का डिलीवर। अभी ऐसे समझो, थाने का एग्जांपल देता हूँ, थाने में सुमेर कैसल करके एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे इनका ना मेन स्टोर है एक डोमिनोज का, जिसको ये लोग क्या बोलते हैं, मदर स्टोर, ठीक है, मदर स्टोर करके बोलते हैं। अभी सपोज ऐसे करके समझते, ये लोग जो मदर स्टोर है सुमेर कैसल का, वो 3 किलोमीटर रेडियस तक जा सकता है डिलीवरी करने के लिए एंड एफिशिएंटली कर पाएगा, लेकिन 3 किलोमीटर के थोड़ा भी आगे रहेगा ना तो इन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके वजह से ये लोग क्या करते हैं, जो उनका मेन स्टोर है उससे छोटा एक छोटा सा स्टोर डाल देंगे। मतलब अभी फॉर एग्जांपल अगर इन लोगों का मेन स्टोर सपोज 1500 स्क्वायर फीट का है, तो लोग छोटा डाल देंगे, एक 700 स्क्वायर फीट या 600 स्क्वायर फीट का छोटा सा दुकान डाल देंगे। कहाँ डालेंगे, वो 3 किलोमीटर रेडियस के जगह पे कहीं। तो सो फॉर एग्जाम्पल थाने में सुमेर कैसल करके, वहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है सपोज अपना कोपरी करके एक जगह है, तो वो 3 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, उससे थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, तो अभी वहाँ पे वो डायरेक्ट पहुँचने के लिए टाइम लगेगा, तो वो लोग क्या करेंगे, वो साइड पे ना एक 500 स्क्वायर फीट का एक दुकान डाल देंगे, जिसको वो लोग क्या बोलते हैं, चाइल्ड स्टोर। समझ में आया क्या? तो मदर स्टोर में ऑब्वियसली उन लोगों का खर्चा ज़्यादा लगेगा, एम्प्लॉयज ज़्यादा लगेंगे, सब कुछ, लेकिन जो उनका चाइल्ड स्टोर है उधर सिर्फ 500-600 स्क्वायर फीट का है, जिधर हार्डली एक हाथ दो टेबल रहेगा, बाकी प्योर QSR रहेगा, सिर्फ डिलीवरी वो सब करने के लिए। ऐसा समझ में आ रहा है, क्लियर है ये? अभी आइडियली मेरे को जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखना चाहिए उसमें मेरे को मदर स्टोर एंड चाइल्ड स्टोर दोनों को मिला के देखना चाहिए, है कि नहीं? क्यों ऐसा? क्योंकि चाइल्ड स्टोर आने के वजह से मदर स्टोर का सेल्स गिर सकता है, कैनिबलाइजेशन हो सकता है कि नहीं? ये एक प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि चाइल्ड स्टोर में एफिशिएंसी नहीं रहेगा तो भी अपने को समझ जाएगा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहेगा तो, क्योंकि अपन दोनों भी ऐड कर रहे हैं ना, ऐसा समझ में आ रहा है। बट ये लोग क्या करते हैं, ये लोग है ना सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में दोनों दे देते, मदर स्टोर एंड चाइल्ड स्टोर का मिला के, जो कि सही मेट्रिक है, बट ये लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग है ना चाइल्ड स्टोर इसके लिए डालते हैं क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ाए, तो हम लोगों के लिए ट्रू मेट्रिक ये है कि हम लोग सिर्फ मदर स्टोर का ग्रोथ दिखाए। समझ में आया क्या? ये उनका मानना है, क्या मेरे को एग्रीमेंट में मैं ये नहीं, मेरे को चाहिए दोनों का बताओ साथ में, क्योंकि अगर मदर स्टोर का ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है लेकिन चाइल्ड ग्रोथ स्टोर का ग्रोथ नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कंपनी उधर पैसा डाल रहा है लेकिन एफिशिएंसी नहीं आ रहा है ना, उसका सिंपल मतलब तो यही हो गया।
तो वो लोग ने क्या किया ना, ये लोग ने बहुत बड़ा गड़बड़ मारा, गड़बड़ इन द सेंस उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग है ना FY22 Q3 से उन लोगों ने SSSG देना बंद कर दिया सीधा, जो कि एक रिटेल का सबसे फर्स्ट रेशियो होता है SSSG। कोई भी बिजनेस खोल दो रिटेल में आपको SSSG मिल जाएगा, बट इन लोगों ने देना बंद कर दिया। और उन लोगों ने क्या बोला, हम सिर्फ LFL ग्रोथ देंगे लाइक फॉर लाइक, जो कि कौन सा है, लाइक फॉर लाइक मतलब सिर्फ मदर स्टोर देंगे, समझा, चाइल्ड स्टोर का नहीं देंगे, जिसके वजह से मैं एज एन इन्वेस्टर एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाऊंगा क्या, नहीं। एंड आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ किधर प्रॉब्लम है इनका, अगर आप देखोगे ना SSSG मतलब क्या, दोनों मदर एंड चाइल्ड बोथ स्टोर्स, LFL इज ओनली मदर स्टोर। अगर आप SSSG देखोगे वो ट्रू मेट्रिक है, एक भी क्वार्टर 2020 से अगर आप चालू करोगे एक भी क्वार्टर में ऐसा सिचुएशन नहीं था जहां पे LFL कम है और SSSG ज्यादा है, हमेशा LFL ज्यादा रहा है हमेशा। ये देखो अगर मेरा SSSG 4.1 है तो LFL 5.8 है, जब SSSG 4.9 है LFL 6.5, मतलब हमेशा LFL ज्यादा ही दिख रहा है। तो मैं एज एन इन्वेस्टर मेरे को ट्रू पिक्चर देखना चाहिए ना, लेकिन वो लोग ने क्या डिसाइड किया यहां से कि हम लोग देना ही बंद कर देंगे। कभी का डेटा ये Q3 22 FY22 थर्ड क्वार्टर, मतलब क्या हो जाएगा 31 दिसंबर 2021, FY22 मतलब 31 मार्च 2022 ना, ये बेसिकली FY21 22 है, ऐसा समझा गया। तो ये Q3 मतलब क्या, थर्ड क्वार्टर मतलब दिसंबर हो गया, तो December 31, 2021, Q4 में अपन 2022 में आते, ये सब समझता है ना। तो Q3 का रिजल्ट कभी आता है, एक दो महीने बाद आता है, तो है ना, जैसे उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कॉन्फ्रेंस कॉल पे, यहाँ पे देखो February 4, 2022 को जैसे अनाउंसमेंट हुआ क्या हो गया, मार्केट 32% अभी तक गिर गया, क्योंकि मार्केट को अच्छा नहीं लगा कि तुम लोग ने ऐसा क्यों किया, देना चाहिए ना, तो उन लोगों ने हाइड कर दिया, वैसा हो गया सॉर्ट ऑफ। अभी देखो अभी आप कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़ोगे ना तो बहुत सारे एनालिस्ट ने पूछा नहीं है ये क्वेश्चन, बट मुझे नहीं पता क्यों नहीं पूछ रहे, बट मैं एज एन इन्वेस्टर मैं आई एम नॉट कम्फर्टेबल ना, मेरे को तो जानना है कि SSSG क्यों नहीं दिया है, तो वो नहीं दिया, लेकिन ओवरऑल मार्केट ने देखो थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट किया है, ऐसा समझ में आ रहा है। एंड अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल रीड करोगे ना, वहाँ पे ना उन्होंने एक ने पूछा कि आपका LFL ग्रोथ आगे जाके क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उन्होंने क्या बोला, देखो 6-8% के रेंज पे, अगर उनका LFL 6-8% है मतलब SSSG कितना होगा, उससे भी कम ना, तो अच्छा है क्या, नहीं। मेरे को मेरा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अच्छा चाहिए। देखो मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूँ, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बढ़ना है इन्फ्लेशन रेट से तो बढ़ना चाहिए ना, है कि नहीं। ऑन एन एवरेज 2-3 साल का अगर मैं देखूँ, अगर मैं इन्फ्लेशन पकड़ूँ 6% से तो SSSG बढ़ना चाहिए कि नहीं, मेरा समझ में आ रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन ही 5.5-6% है, तो SSSG 6% तो बढ़ना चाहिए, बट ये लोग बोल रहे हैं LFL ही 6-8% है, तो SSSG उससे भी कम होगा। तो ये दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स, मेन रीजन्स कि मेरे को ये कंपनी क्यों आगे देखनी नहीं है, क्योंकि बेसिकली लोगों ने ऑलरेडी सेंटिमेंट में ग्रोथ डाल दिया है, बट मुझे दिख रहा है कि ग्रोथ आगे नहीं आने वाला है कमिंग फ्यूचर्स में, मतलब नियर फ्यूचर में, प्लस अभी पिज्ज़ा एक्सप्रेस बहुत सारे और कॉम्पिटिटर्स भी आ रहे हैं, तो मैं कंफर्टेबल नहीं रहूँगा। डज दैट मीन ये पैसा नहीं बनाएगा आगे जाके, ऐसा नहीं है, बट मेरे पास इससे बेटर अपॉर्चुनिटी फिर दिखता है, ऐसा समझ में आया क्या आपको। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद और एक हम लोगों को इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगा है, जो ये है कि इन लोगों ने ना दुकान भी बंद किया, जैसा मैंने बोला डंकिन का प्रॉब्लम हो गया ना, ये सब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, हॉन्ग्स किचन एंड एकदम बिरयानी, अगर आप देखोगे पहले 2019 में एक स्टोर था, 4 हुआ, 12 हुआ, 24 हुआ, फिर 2020-18 हो गया, समझ में आ रहा है, दुकान बंद हो रहा है, तो फिर कैपिटल एलोकेशन का प्रॉब्लम तो है ना बॉस। डंकिन डोनट्स का देखो कैसे था, पहले एग्रेसिवली बढ़ाया उन्होंने 26, 54, 71, फिर कम होते गया, देख रहे हो, फिर अभी डंकिन डोनट्स नाम चेंज करके डंकिन नाम रख रहे हैं और स्टारबक्स के साथ कम्पीट करना है। तो मुझे ऐसा, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, पहले मेन बिजनेस और बेटर करो, या तो फिलहाल इसमें करने का ज़रूरत नहीं है। इतना ही नहीं, उन लोगों ने एक्चुअली एक और एक्विजिशन किया है, बारबेक्यू नेशन में इनका 9% स्टेक है, बारबेक्यू नेशन कंपनी जो लिस्ट हुआ है ना उसमें 9% स्टेक है इनका। अभी बारबेक्यू नेशन भी अगर आप देखोगे कंपनी, ROE सब नेगेटिव है यार, 9%, मतलब देखो 9% स्टेक अगर बारबेक्यू में किया है ना, बेसिकली
जो है जुबिलेंट का इक्विटी का अराउंड अभी अगर आप देखोगे 23% है बारबेक्यू, ऐसे समझ में आ रहा है? जुबिलेंट फूडवर्क्स का जो इक्विटी है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है बारबेक्यू नेशन का, दैट इज अराउंड 23%। मतलब कल को अगर बारबेक्यू को कुछ हो गया तो इनका इक्विटी गिरेगा, तो अपना शेयर प्राइस गिरेगा। अब समझ में, अभी आपको समझ में आ रहा है? ऑलरेडी तुम लोग ने कैपिटल एलोकेशन प्रॉब्लम किया, अभी और हो रहा है इसमें। क्यों बारबेक्यू नेशन पे डाला? अगेन मुझे उसका भी रीजनिंग, उनको डाइवर्सिफाई करना था, बट मुझे ऐसा नॉर्मली अच्छा नहीं लगता है। समझ में आया क्या? ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड सेकेंडली, अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ सब में प्रॉब्लम दिखेगा ना, आपको आपके एबिट लेवल पे भी प्रॉब्लम दिख के आएगा। तो हम लोग एक बार चेक करते एबिट लेवल पे प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं, ठीक है? तो अगर हम लोग एबिट लेवल पे देखेंगे, यहाँ पे एबिट मार्जिन अगर आप ध्यान से देखोगे 2019 के बाद उल्टा बढ़ गया है, ऐसा दिख रहा है, बराबर 14, 12, 17 फर्स्ट गो में ना, जब एबिट लेवल ऐसे ज़्यादा दिखेगा ना, आपको लगेगा अरे कंपनी सुधर रहा है। गलत, SSSG कम हो रहा है ना, तो एबिट एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। अभी यहाँ पे क्यों ज़्यादा दिख रहा है पता है क्या? 2020 में ना इंड एस 116 था, जिसमें बेसिकली ऑपरेटिंग लीज को फाइनेंशियल लीज में कन्वर्ट किया गया है, समझा? मतलब ऑपरेटिंग लीज फाइनेंशियल लीज में कन्वर्ट किया है, उसका मतलब क्या है? ये जो रेंटल्स दिख रहे हैं आपको 2019 में, 2020 से गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि ये पहले ऑपरेटिंग लीज लेते थे, अभी उसको फाइनेंशियल लीज में कन्वर्ट किया है, जिसके वजह से ये है ना, उनका इंटरेस्ट कंपोनेंट पे आ जाएगा, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन कंपोनेंट पे आ जाएगा। देखो अचानक डेप्रिसिएशन बढ़ गया और उनका इंटरेस्ट भी बढ़ गया, ये बेसिकली किसका इफेक्ट है? ये जो रेंट है ना उसका इफेक्ट है। बट कैसे दिख के आ रहा है इनकम स्टेटमेंट में? एक नॉर्मल बंदा देखेगा तो ऐसा लगेगा अरे अच्छा हो गया है। नहीं, ऐसे नहीं देखना है। तो अगर हम लोगों को चेक करने का है ना, ट्रू पिक्चर चेक करने का सॉर्ट ऑफ ऊपर ऊपर से, तो कैसे करना है मैं बताता हूँ। आइडियली ये फाइनेंस कॉस्ट हटा के देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइनेंस कॉस्ट लीज लाइबिलिटी के वजह से, समझ में आ रहा है? मैं आपको ऐसे पुट फोर्थ करता हूँ, पहले रेंटल कितना था 2019 में? 34,430 प्लस अपना डेप्रिसिएशन कितना है, टोटल मिला के 50,000 बनता है इनका खर्चा, बराबर। अगर मैं यहाँ पे रेंटल है क्या? नहीं ना, यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन रखता हूँ और उसमें मैं ये फाइनेंस कॉस्ट भी ऐड करता हूँ, तो आ रहा है बराबर? तो ये अपने को ट्रू पिक्चर दे रहा है। बट अगर आप सीधा एबिट देखते तो वो ट्रू पिक्चर दिखता ही नहीं, ऐसे लगता अरे 2015 में 8% है, 6 है, 4 है, 9 है, 13 हो रहा है, 14, 12, 17, अरे बेटर हो रहा है। नहीं, अभी हम लोग देखते इसको हटा के देखते कैसे करना है, तो हम लोगों को और थोड़ा बेटर पिक्चर मिलेगा। अभी क्या करते हैं हम लोग, ये हटा के, एक मिनट हटा देता हूँ मैं, इसमें तो हटाने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, हटा दिया मैंने इफेक्ट, अभी अपन करके देखते हैं। ये तो सेम आएगा 13, देख रहे हो आप 10, 8, 13 हो गया, कम हो गया ना, ये 17 से 13 पे आ गया, बराबर। ये अपना कितना था, एक मिनट, 9%। अगर आप देखोगे पहले भी 13 था, 10 था, फिर उल्टा कम हुआ, फिर अभी वापस पहले जितना आया है, समझा? ऐसा नहीं है कि एक्सपोनेंशियली बेटर ऑफ हुआ है, बट अगर आप ये फिगर देखोगे तो आपको ऐसे लग सकता है कि ये बेटर ऑफ हो रहा है, बट वैसा नहीं है। ये भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बाद में जब आप खुद से करते तो आपको ये डाउट आता। क्लियर हुआ क्या सबको? डन।